के विकास के लेकर क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ आप? देखिए, जोरथोड़ा में विकास तो हुआ ही नहीं जी। आप ये बोलिए कि जोरथोड़ा में समस्याएं क्या क्या हैं जी जी, और कब से हैं जी। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो हाई टेंशन लाइन का है जी। दूसरा मुद्दा, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट होते हैं, कुछ होते हैं तो SMS हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, कई मरीज दम तोड़ देते हैं जी। और दूसरी बात ये कहूँगा, यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं है युवाओं के लिए पढ़ने के लिए, बच्चों के बच्चियों के लिए जी। एक ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस शहरी क्षेत्र को जोड़ रखा है, निगम में नहीं ले रखा है। इस मुद्दे को भी हम बहुत प्रमुखता से उठाएंगे ताकि उनको वो सुविधाएं मिल सकें। कहने को तो शहर है लेकिन पंचायत हाथोज माचवा ये पंचायत में आ रहे हैं, तो ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इनको हम निगम से जोड़ेंगे ताकि उनको वो सारी सुविधाएं नगर निगम की मिल सकें, JDA की मिल सकें। खेल का ग्राउंड भी होना चाहिए बिल्कुल। तो विकास के मुद्दों की बात करें, आपने विकास के मुद्दे के बताए क्या क्या समस्याएं हैं ये बताई जोटवाड़ा की, तो जोटवाड़ा में ये देखा जाता है कि एक बार और BJP और एक बार कांग्रेस, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे, तो BJP और कांग्रेस की ये परंपरा आप किस प्रकार से तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं जनता का प्रत्याशी हूँ जी, और ये जनता चुनाव लड़ रही है सब जी। और आज तो ये सैनिक चुनाव लड़ रहे हैं, आपने देख लिया कि किस कदर अंदर रोष है इस बात को लेके कि लोग 15 दिन पहले आते हैं और हमें ठग के ले जाते हैं, 5 साल तक लोग शक्ल नहीं दिखाते हैं। तो ये जनता अब समझ चुकी है कि हमें किसको और कैसे चुनना है। और लोग क्या होता है कि कोई राष्ट्र के नाम पे वोट ले जाता है, कोई पार्टी के नाम पे वोट ले जाता है, अन्य दलों के नाम से वोट ले जाते हैं, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि जोटवाड़ा में हो या चाहे विधानसभा का कोई भी चुनाव हो, ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाएगा, उस व्यक्ति के द्वारा चुना, उस व्यक्ति को चुना जाएगा जो 24 घंटे उनके बीच में उपलब्ध हो सके। आप बताइए कि कोई भी काम पड़ेगा तो लोग दिल्ली फ़ोन करेंगे क्या? फ़ोन उसी को करेंगे जो उनके बीच में उपस्थित है, जिसकी कार्य करने की क्षमता है, उन कामों को देख करके। और अब की बार जनता वोट करेगी ताकि उनको उनका नेता नहीं उनको सेवक मिल सके, और ये सबने तय भी कर लिया है। कांग्रेस की पहले लिस्ट आ चुकी है पर कांग्रेस ने अभी जोटवाड़ा से प्रत्याशी नहीं उतारा, क्या कारण मानते हो इसका? नहीं, कारण कुछ भी रहे होंगे, कारण तो ये सारे फौजी भाई है, लग रहा होगा कि धजियां उड़ा देंगे, खतरा लग रहा है। जिस कदर से 14 तारीख को जिस बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, वो उनकी नाराजगी थी, और वो नाराजगी ये थी कि हर नेता आता है 15 दिन में ठग के चलाता है, पैराशूट उम्मीदवार आते हैं जिनको कभी देखा नहीं। और मैं तो ये कहूँगा, राज्यवर्धन सिंह जी को यहाँ उतारा है जी, वो तो सांसद रह चुके 10 साल, उनको काम करने का पूरा भरपूर मौका दिया जनता ने, मोदी जी के नाम पे भी दिया, सिंबल के नाम पे भी दिया, लेकिन किया कुछ भी नहीं उन्होंने, न वो जनता के बीच में उपस्थित रहे। तो उस बात को लेकर के जनता में रोष है कि हमें वो लोग नहीं चाहिए जिनको हम 2 बार मौका दे चुके, और वो तो हार भी जाएंगे तो सांसद तो है ना, और ये जोटवाड़ा उसी में तो आता है, नागौर में थोड़ी आता है, जोटवाड़ा उन्हीं के उसमें आता है, वो जयपुर ग्रामीण में ही आता है, और करें सेवा, और बढ़िया है ना, जनता को एक तो मैं मिल जाऊंगा, एक वो मिले हुए हैं ही, तो दो लग के काम करेंगे। और अब ये चाहें कि साहब वो भी ले लिया और ये भी दे दो और सबको लेके फिर दिल्ली भाग जाऊं, तो ऐसा जनता सुनने में ये भी आता है कि लास्ट में आशु सिंह जी राज्यवर्धन सिंह से मिल लेंगे या तो मैंने गीता पे कसम खा ली ना, गीता से बड़ा क्या है जी, जल हाथ में ले लिया। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आज तिरंगे की कसम खा के भी कह दिया कि मैं किसी कीमत पे नहीं बैठूंगा, ये तो अफवाहें हैं, ये चुनावी स्टंट हैं, अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर ये भ्रमित कैसे होंगे जी। तो ये तो चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है, उनकी इच्छा है कितना भी फैलाएं। आशु सिंह को बैठना ही होता तो बैठूंगा, लेकिन इन सबकी ताकत से विधानसभा में बैठूंगा।